Subscribe to our channel and click the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, सॉरी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके ज्योतिष में ही विषय है और इस पर बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में है। आपने कालसर्प योग के बारे में सुना होगा, अक्सर लोग ज्योतिषी जो होते हैं बोलते हैं कालसर्प योग है, कालसर्प योग है। पहली बात तो ये कि जो कालसर्प योग है वो जो हमारी ज्योतिष की किताबें हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें मेंशन नहीं है। और मेदिनी ज्योतिष में कालसर्प मेंशन है, लेकिन जो प्रश्न का हिस्सा है उसमें सर्प दोष बाकायदा एक दोष है, जिसके बहुत ही डिटेल व्यू जो है हमारा जो ग्रंथ है, प्रश्न मार्ग है या फिर प्रश्न अनुष्ठान पद्धति है, उसमें क्लियरली मेंशन है। तो ये दोष तो होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोष नहीं है, लेकिन इसका नाम कालसर्प दोष नहीं है, इसे सर्प दोष या नाग दोष कहा जाता है। और ये जंतु श्राप की श्रेणी का हिस्सा है। जंतु मतलब किसी जीव जंतु के जो श्राप हमें लगते हैं उसका हिस्सा है। और ये दोष इसलिए कारगर या इसलिए पावरफुल है क्योंकि सर्प जो होते हैं उन्हें हमारे देश में, हमारी संस्कृति के हिसाब से उन्हें एक देवताओं की संज्ञा प्राप्त है। तो जब उनका दोष या उनका श्राप हमें लगता है तब उसे सर्प दोष कहा जाता है। कुंडली में ही इसका टेक्निकल व्यू पॉइंट है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का, लेकिन एक्चुअली मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि इसका जो देखने का तरीका है वो प्रश्न से ही पॉसिबल है, क्योंकि प्रश्न को देखते ही आपको मालूम पड़ जाता है। इसका कारण ये भी है कि हो सकता है जब आपने जन्म लिया हो तब ये दोष ना हो और बाद में आपके हाथ से किसी नाग की हत्या हो गई हो या कोई नाग मर गया हो तो फिर ये दोष आपको दोबारा लगेगा और वो प्रश्न कुंडली में साफ नज़र आएगा। अब सवाल ये आता है कि इसका निवारण कैसे होता है। हमारे यहाँ नॉर्थ में बहुत कम मंदिर हैं जहाँ निवारण होता है इसका। इसका निवारण का जो वैदिक सिस्टम है वो अलग है, तो इसलिए पहले उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके मामले में बहुत ज़्यादा बेईमानी चल रही है हमारे देश में, तो इसको समझना ज़रूरी है कि इसका निवारण कैसे होता है। तो पहली बात तो ये कि जो मंदिर है वो नाग मंदिर हो तो बहुत अच्छा रहता है, या देवताओं में वहाँ पे नाग हों तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस तरह के मंदिर आपको साउथ में बहुत मिल जाएंगे। नॉर्थ में एक्सट्रीम पॉइंट में मंदिर तो मिल जाएंगे आपको, नाग के मंदिर हैं, नागों की पूजा होती है, लेकिन फिर वहाँ पर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है कुके सुब्रमण्यम नाम का, और भी मंदिर है। कुके सुब्रमण्यम एक पुराना मंदिर है, ये मैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित है। कुके नाम का एक स्थान है मैंगलोर से कुछ ही दूरी पर, मैंगलोर स्टेशन से, और वहाँ पर ये जगह स्थित है। और वहाँ मैंने वहाँ ये एक्चुअली इसका जो दोष निवारण है वो होता है। इसमें अश्लेष पूजा होती है, अश्लेष बलि कहते हैं उसको, नाग बलि होती है, सर्प संस्कार होता है, नाग प्रतिष्ठा होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। संस्कार का अर्थ जो होता है सर्प संस्कार का, उसका मतलब होता है कि आपने एक नाग की हत्या हुई आपके हाथ से, तो अब आप उसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि आपको किसी पंडित को आप कर्म साक्षी नहीं बना सकते, आपको वहाँ स्वयं जाना पड़ेगा। जैसे आपके घर में किसी की मृत्यु अगर हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है बाय चांस, तो आपको जाना पड़ता है ना वहाँ पर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पंडित को बोलेंगे साहब आप ही कर दो संस्कार, ऐसा नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको समझना ज़रूरी है कि आपको सर्प संस्कार करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, ये पहला नियम है। दूसरी बात, जब आप संस्कार करेंगे तो आपको सूतक लगेगा, और ये सूतक और पातक दो तरह की चीज़ें होती हैं, ये लगता है। तो जब आपको ये दोष लगेगा तो आपको दोष लगने के 24 घंटे तक, ये वैसे तो 12 दिन तक होता है लेकिन आज के ज़माने में लोगों को सब कुछ जल्दी है तो इसलिए 24 घंटे तक तो ये वैलिड ही रहेगा। तो आप पहले दिन प्याज लहसुन नहीं खा सकते, आप गलत तरह का भोजन नहीं कर सकते, बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें समझनी होती कि पहले दिन आपको सूतक लग जाएगा। 24 घंटे तक जो पूजा पहले होगी उसमें संस्कार जब होगा तो आप पहले 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाएंगे, अगले दिन आपकी शुद्धि पूजा होगी, अगले दिन सर्प संस्कार नाग प्रतिष्ठा होगी सॉरी टेंपल में। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली 2 से 3 दिन की प्रोसेस होती है, ये कभी भी एक दिन में नहीं हो सकती। ज़्यादातर मंदिरों में आप देखेंगे कि ये प्रोसेस कुछ ही घंटों में निपटा दी जाती है, तो ये एक गलत तरीका है, ये वैदिक तरीका नहीं है। वैदिक सिस्टम जो है उसमें बाकायदा सर्प सुक्त का पाठ किया जाता है, जो वेदोक्त पाठ है उसका पाठ किया जाता है, संस्कार किया जाता है, इसमें पिंडियाँ बनाई जाती, पहले नाग जो होता है उनकी मूर्ति होती है,
उसमें प्राण लाए जाते हैं, नव नागों को आवाहन किया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस नाग की हत्या हुई, कौन मारा, तो हम सभी नागों की प्रजातियों को उसमें प्राण आवाहन करते हैं, फिर उन प्राणों को हम पिंडियों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पिंड में ले आते हैं, बच्चों के शिशु नाग के पिंड या उनकी जो सर्पिणी होती है उसके पिंड होते हैं उसमें हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उनको संस्कार कर दिया जाता है, उनका जला दिया जाता है उनको। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली 24 घंटे से ज़्यादा की प्रोसेस है। तो जो मंदिर जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पहले ये पता कीजिए कि वहाँ कितने टाइम लग रहा है उनको, क्योंकि इसको टाइम लगता है, ये जल्दी होने वाली प्रोसेस नहीं है। तो ये चीज़ समझने लायक है। फिर आप बाहर से भोजन नहीं कराएंगे तो मंदिर को भोजन या किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको जो बाहर से ना आया हो, जिसमें कोई गलत चीज़ ना हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो काल सर्प दोष जब लगता है, जब सर्प दोष लगता है तो ये चीज़ समझने लायक है कि उसका निवारण कैसे होता है। ये जो मंदिर मैं आपको बता रहा था इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप ये एक अलग सिस्टम है और वो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको वो मतलब वो किसी को कुछ मानते मानते नहीं है, कोई कमीशन नहीं मिलता किसी को वहाँ पर, है ना। तो ये आप नेट पे जाकर चेक कर सकते हैं। और रही बात इस दोष से उत्पन्न होने वाले कुप्रभाव की, अब आप ये भी जानना चाहेंगे भाई इससे कुप्रभाव क्या होता है। कुप्रभाव बहुत सारे होते हैं, कई बार आपकी संतान नहीं होगी, एक कुप्रभाव तो यही है, और कई बार एक ही संतान, मतलब या तो स्त्रियां होती रहेंगी, बच्चियां होती रहेंगी, या फिर लड़के होते रहेंगे आपके, तो ये दूसरा दोष है। थर्ड दोष जो होता है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है जो ये क्रिएट करता है वो ये कि आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। आप मेहनत करते रहिए करते रहिए, लास्ट मोमेंट पर जाकर आप अटक जाएंगे। तो जैसे सपोज ऐसा मान लेते हैं कि आपने UPSC का एग्ज़ाम दिया, 99.9% पर जाके आप अटक गए, 0.1% से रह गए, ऐसा ही इस दोष से उत्पन्न होता है। आप कितनी भी मेहनत कीजिए, रिजल्टेंट आउटपुट आपका 100% मेहनत लगाएंगे 30% रिजल्ट आएगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद द नागदोषा। और इसके अलावा ये आपको आपका जो श्रेय है, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आउटपुट भाई आपका नाम होना चाहिए, आपको उपलब्धि हासिल होनी चाहिए, वो नहीं मिलने देगा, लास्ट मोमेंट पर उसको जाके अटकाएगा। तो ये इसका एक तरीका है काम करने का। चौथा, आपके घर में बीमारियां रहेंगी, हर वक्त पैसा वेस्ट होता रहेगा। तो ये जो दोष है ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हॉरोस्कोप में इस दोष को नष्ट किया जा सकता है इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया। इसमें अश्लेष बलि भी होती है जो एक डिफरेंट प्रोसीजर है, उसके बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जगह पे मेंशन है। लेकिन सर्प दोष को प्रश्न से पता लगाया जा सकता है और फिर इसका प्रॉपर निवारण किया जा सकता है। एक विशेष बात जो है इस दोष में वो ये कि ये दोष जो होता है ये एक पारिवारिक श्राप है, ये किसी व्यक्ति को लगने वाला, व्यक्ति विशेष को नहीं लगता है, ये परिवार में ट्रांसफ़र होता है। तो जब आपकी संतान होगी तो उसमें ये ट्रांसफ़र होगा और हो सकता है ये बहुत पहले से चला आ रहा हो, तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें हम जनरल लेवल पर सर्प सूक्त का और नाग सूक्त का पाठ करते हैं, तो ये मैं आपको इस लिंक में नीचे शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, उसका ऑडियो वीडियो दोनों भेज देता हूँ, ऑडियो और वीडियो दोनों लगा देते हैं, उसमें टेक्स्ट पॉइंट भी लिख दूँ, टेक्स्ट भी डाल दूंगा उसमें, ताकि आप देख सकें कि भाई इसको कैसे पाठ किया जाता है। ये जनरल रेमेडी है, ध्यान रखिएगा कि इसकी परमानेंट रेमेडी नहीं है, परमानेंट रेमेडी तो इसकी सर्प संस्कार और नाग प्रतिष्ठा ही है, लेकिन इसकी एक जनरल रेमेडी यही होती है कि आप सर्प सूक्त का रोजाना पाठ करें। तो वो मैं इसके वीडियो में नीचे शेयर करूँगा, आप उसको पढ़िए, उसका ऑडियो सुनकर उसको पढ़िएगा, ताकि आपको उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आए। उसमें हम सर्पों का जो, और उसके अलावा एक नवनाग सूक्त भी होता है जो सरल है बड़ा, वो भी शेयर कर देता हूँ नीचे, आप लोगों को थोड़ी सी फायदा होगा उसको पढ़ने से। और पर बाद में आपको फाइनली अपने लोगों को वहाँ लेकर जाना पड़ेगा और फिर इसको शांत करना होगा इस दोष को, और फिर ये शांत हो जाता है, ये ठीक भी हो जाता है। जब ये ठीक हो जाता है तो काफ़ी अच्छा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। धन्यवाद।